दो घंटे भी एल्विश को नहीं बिठा पाई यूपी और राजस्थान के पुलिस सिस्टम ने फिर हिला दिया सिस्टम। नहीं मिला गुनहगार होने का सबूत। जिसे दुनिया समझने लगी थी गुनहगार वो एल्विश निकले बेगुनाह। एल्विश नहीं बीजेपी थी टारगेट पर, नाम बदलकर बात करने वाला कोई और निकला। कॉल रिकॉर्डिंग निकली फर्जी। मेनका गांधी के खासम खास ने किसके इशारे पर सब कुछ किया। बेगुनाही का मिला सबूत, अब जेल नहीं जाएगा सिस्टम। एल्विश यादव का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एल्विश के एक हाथ में सांप है और उनके हाथ में सांप देने वाला शख्स कहता है किसे आराम से पकड़ना हल्के से। फिर एल्विश सांप को हाथ में लेकर कहते हैं चिंता मत कर ये तो मेरा दोस्त है। एल्विश यादव कैसे पुराने वीडियो को निकालकर हर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है ताकि एल्विश को गुनहगार साबित किया जा सके। वायरल करने वाले लोग कौन है जरा यहाँ नाम पढ़कर आप पता लगा लीजिए। यहाँ नाम पढ़कर आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये लोग योगी और मोदी से कितना चढ़ते हैं, लेकिन एल्विश यादव निकले बेगुनाह। कोटा में उनकी बेगुनाही का सबूत मिल गया। कैसे एल्विश यादव को फंसाने की कोशिश हुई, इस कोशिश के पीछे कौन था और कैसे दो घंटे भी पुलिस बेगुनाह एल्विश को रोक नहीं पाई, इसे डिटेल में जानते हैं। राजस्थान के कोटा से एल्विश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। बताया गया कि वो पुलिस की नाकेबंदी तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रामगंज सुकेत इलाके में उनको पकड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस रेव पार्टी में सांपों के जहर की बतौर नशे तस्करी करने के मामले में एल्विश यादव की तलाश कर रही थी, जिसके बाद कोटा से उन्हें हिरासत में लिया गया और उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई, लेकिन बाद में उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद राजस्थान पुलिस पर योगी विरोधी और मोदी विरोधी और गैर भाजपाइयों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। फिर मीडिया ने राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा से कॉन्टैक्ट किया, उनसे सवाल पूछा कि एल्विश यादव को छोड़ा क्यों गया जबकि एल्विश यादव वांटेड है। राजस्थान के डीजीपी ने इसका जो जवाब दिया उसने साबित कर दिया कि एल्विश यादव बेगुनाह है और वो किसी पुलिस से भाग नहीं रहे। नाकेबंदी के दौरान जब एल्विश को रोका गया तो वो घबरा गए। जाहिर सी बात है अगर आप बेगुनाह हैं और अचानक आपको कोई पुलिस आकर रोक ले पकड़ ले हिरासत में ले ले तो आप भी घबरा जाएंगे। एल्विश को राजस्थान की पुलिस ने हिरासत में लिया। कोटा पुलिस ने फिर नोएडा पुलिस को खबर दी। नोएडा पुलिस की टीम पहले से ही एल्विश यादव की तलाश में राजस्थान और हरियाणा में मौजूद थी। नोएडा पुलिस मौके पर पहुंची, करीब डेढ़ घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ हुई। फिर नोएडा पुलिस के एक सीनियर अधिकारी को कोटा पुलिस ने फोन मिलाया, एल्विश यादव से बात करवाई गई। नोएडा पुलिस के अधिकारी ने एल्विश यादव से फोन पर ही कई सवाल पूछे। इसके बाद उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि असली एल्विश की कॉल रिकॉर्डिंग की आवाज और सांपों की तस्करी करने वाले एल्विश की आवाज में फर्क नजर आया। पुलिस को शक हुआ कि सांपों की तस्करी करने वाला एल्विश यादव असली वाले एल्विश यादव नहीं है बल्कि किसी ने नाम बदलकर एल्विश यादव को बदनाम करने की कोशिश की है। फिर नोएडा पुलिस से बात करने के बाद एल्विश यादव को छोड़ दिया गया। राजस्थान के डीजीपी ने खुद बताया कि नोएडा पुलिस के मुताबिक उनके मुकदमे में एल्विश यादव वांटेड नहीं है। इसके बाद ही कोटा पुलिस ने यूट्यूबर को जाने दिया। फिलहाल एल्विश अब पुलिस स्टेशन से जा चुके हैं। दरअसल एल्विश यादव को पकड़ने के लिए बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल संस्था ने एक जाल बिछाया। उनकी तरफ से फोन करके रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई करने को कहा गया, जिसके बाद किसी राहुल यादव का नंबर मिला। उसके बाद नोएडा पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया जिनके पास से 9 सांप मिले और उनसे पूछताछ के बाद एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई। साथ ही खबर थी कि एल्विश यादव को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था। खैर आपको क्या लगता है, एल्विश को जानबूझकर किसी ने फंसाया है या फिर एल्विश को बदनाम करने के बहाने योगी और मनोहर लाल खट्टर यानी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? अपना जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।